चौथा नंबर क्वेश्चन हमें ट्रू एंड फॉल्स में जवाब देना है। चार क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चनों को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। साइन ए प्लस बी की जगह आप लोग लिखोगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू है, क्या सेम चीज यहाँ पे लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है। यहाँ पे आप छूटा है, क्या छूटा है, कॉस बी छूटा है। यहाँ पे आप लोगों को लिखना था, क्या लिखना था, कॉस बी मल्टीप्लाई करना था। और यहाँ पे प्लस साइन की जगह यहाँ पे साइन बी की जगह यहाँ पे कॉस ए लिखना था। अगर यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन सही ना होकर गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको फॉल्स में रखना है। अब आपको जवाब देना है दूसरा नंबर में, द वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा इंक्रीज एज ए थीटा इंक्रीज। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी बताया है आप लोगों को। तो साइन थीटा का वैल्यू जब आप लोग लिखोगे, चलिए हम लोग चार्ट में देख लेते हैं या टेबल में देख लेते हैं। देखिए जब आप लोग लिखोगे साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन में देखिए पहले है जीरो, फिर है वन बाई टू, इससे बड़ा है क्या वन बाई रूट टू, उससे भी बड़ा है क्या रूट थ्री बाई टू, उससे भी बड़ा है क्या वन। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जीरो से बड़ा है वन बाई टू, तो ये क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जी हाँ बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा क्या, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि साइन का रेशियो जो ज्यादा है, क्योंकि साइन का थीटा इंक्रीज जब होता है ना, जैसे जीरो से 30 डिग्री जाओगे 45 डिग्री जाओगे, तो जैसे इंक्रीज करोगे वैसे ही उसी हिसाब से साइन का थीटा जो है इंक्रीज होता है, उसका वैल्यू भी इंक्रीज होते हुए जाता है। तो इसका मतलब ये सही है, यही पूछ रहा है क्या साइन का वैल्यू इंक्रीज होता है जब थीटा, तो क्या वैल्यू इंक्रीज होता है क्या, बिल्कुल सही इंक्रीज होता है, थीटा इंक्रीज होने पर वैल्यू भी इंक्रीज होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास है, द वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा इंक्रीज एज ए थीटा इंक्रीज। इसका मतलब थीटा जब इंक्रीज जीरो से 30, 45, 60 और 90 जाता है, तो वो कॉस थीटा में इंक्रीज होता है क्या। आप यहाँ पे देखोगे ये वन है, उससे छोटा है रूट थ्री बाई टू, उससे भी छोटा है वन बाई रूट टू, उससे भी छोटा है वन बाई टू, उससे भी छोटा है जीरो। इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे अगर डिक्रीज होता ना तो सही हो जाता, मगर यहाँ पे डिक्रीज ना होकर इंक्रीज लिखा है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, ये फॉल्स हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा के इक्वल होता है क्या कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू। नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी वैल्यू के लिए नहीं होता है इक्वल, केवल 45 डिग्री में इक्वल होता है। आप यहाँ पे 45 डिग्री को देखोगे, साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू इक्वल है, मगर 0 डिग्री में इक्वल नहीं है, 30 डिग्री में इक्वल नहीं है, 60 डिग्री में भी इक्वल नहीं है। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब पांचवा नंबर देखिए, cot a is not defined as a is equal to 0 degree। इसका मतलब यह है कि आप जब a के जगह 0 डिग्री लिखोगे तो cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन यहाँ पे लिखोगे। तो नॉट डिफाइन का इसका मतलब यह हो गया कि ये सत्य है कि झूठ है। क्या पूछा जा रहा है आपको कि नॉट डिफाइंड है, बिल्कुल नॉट डिफाइंड है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आंसर क्या लिखोगे यहाँ पे, ट्रू लिखोगे, तो इसका आंसर सही ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करोगे, पहला क्वेश्चन आप लोगों का फॉल्स हो गया, दूसरा आपके पास ट्रू हो गया, तीसरा फॉल्स हो गया, चौथा फॉल्स हो गया और पांचवा ट्रू हो गया। इस तरीके से इस एक्सरसाइज में चार क्वेश्चन थे और चारों क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया और बहुत आसान तरीका से और इजी तरीका से सॉल्व किया। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।